1992 में दीपक आनंद के डायरेक्शन में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था बलवान। इसी फिल्म से अन्ना कहे जाने वाले हमारे सुनील शेट्टी ने फिल्मी जगत में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ दिव्या भारती मेन लीड में दिखाई दी थी, उन्हीं के साथ डैनी, नीना गुप्ता जैसे एक्टर्स भी दिखाई दिए थे। और अब इस फिल्म के फैंस के लिए, या फिर ये कहें कि सुनील शेट्टी के फैंस के लिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, 31 साल बाद मेकर्स इस फिल्म का सीक्वल लेकर आने की प्लानिंग कर रहे हैं और ऐसी प्लानिंग चल रही है कि 32nd एनिवर्सरी को ही इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा। अब इस फिल्म में इसकी प्लॉट क्या होगी या फिर इसमें गाने क्या होंगे, एक्टर्स कौन से होंगे, ये तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन ऑन पेपर ये फिल्म बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। ये फिल्म बहुत ही जल्दी हमारे सामने आने वाली है और ये तय है कि सुनील शेट्टी ही इस फिल्म में मेन लीड का कैरेक्टर निभाएंगे। और भाई ऐसा हो भी क्यों ना, उनकी ही तो ये फिल्म है जिसके द्वारा उन्होंने डेब्यू किया था। ये भाई उनकी डेब्यू फिल्म है और वो कैसे इस फिल्म को छोड़ सकते हैं। इस आने वाली फिल्म में वो हमें एक रॉ एजेंट जो कि अंडरकवर है उसके रूप में नज़र आ सकते हैं और ऐसे ही किसी खुफिया मिशन पर अपने जाते हुए नज़र आ सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये बताएं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होगा कि बॉलीवुड और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। जहां बॉलीवुड हमेशा पॉलिटिक्स से रिलेटेड फिल्मों को दिखाता है, वहीं पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं। अब तांडव, सिटी ऑफ ड्रीम्स, राजनीति, ऐसी कई सारी मूवीज हैं जिसमें पॉलिटिक्स में क्या चलता है वो दिखाया गया है। और इसी के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी कई सारे एक्टर्स हैं, जैसे कि हेमा मालिन, जया बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, ऐसे ही बहुत सारे एक्टर्स हैं, रवि किशन भी इसमें शामिल हैं। अब आप सोचेंगे कि हम ये बात आपको क्यों बता रहे हैं, तो दरअसल मिथुन चक्रवर्ती जो कि एक बहुत अच्छे नेता बन चुके हैं अभी, वो अब फिर से सोच रहे हैं कि अपने सिनेमा की दुनिया में वापसी ले। जैसे ही उन्होंने सुना कि बलवान का रीमेक हो रहा है या फिर इसका सीक्वल आने वाला है, मिथुन चक्रवर्ती ने खुद अपने बहुत ही पुराने दोस्त सुनील शेट्टी को फ़ोन किया और उनसे इस फिल्म में अपने रोल के बारे में बात की। वो भी वापसी करेंगे इस फिल्म से और अपने आप को स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। तो भाई अब सुनील शेट्टी अपने दोस्त की बात को कैसे नकार सकते हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म में नजर आएंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। अब आ जाते हैं आज के आखिरी सवाल पे कि आखिर इस फिल्म में फीमेल लीड कौन होंगी। 1992 में जब ये फिल्म आई थी तो उसमें आपने दिव्या भारती को देखा था और दिव्या भारती उस समय अपने स्टारडम के टॉप मोस्ट पर थी। हर कोई डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था और सुनील शेट्टी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म ही इनके साथ की थी। और अब दिव्या भारती हमारे बीच नहीं रही हैं, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर उन्हें कौन रिप्लेस करता है इस आने वाली मूवी में और क्या वो उतना ही दमदार कैरेक्टर निभा पाती हैं जो भी एक्ट्रेस इस फिल्म में कास्ट होंगी। कौन सी एक्ट्रेस इस फिल्म में कास्ट होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। अब आपको बताते हैं कि ये जो फिल्म आई थी बलवान, इसमें आपने देखा था कि अर्जुन सिंह नाम का मेन कैरेक्टर था जिसे सुनील शेट्टी ने प्ले किया था, और जब वो कॉलेज जाता है तो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका रोल प्ले किया है दिव्या भारती ने। अब एक बार एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाने के चक्कर में उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो दिव्या भारती अपने पिता से कह के उसे छुड़वा देती है, जिसके बाद उसके पिता उसे इंस्पायर करते हैं कि सुनील शेट्टी पुलिस ज्वाइन कर लें, और वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी पोस्टिंग होती है दूसरे शहर, बहुत सारी मुसीबतें उनके ऊपर आ जाती हैं और एक डॉन से उनकी टक्कर होती है, जो कि डॉन थोड़े दिनों बाद उनकी बहन का रेप करता है और उनकी माँ को मार डालता है, जिसके बाद सुनील शेट्टी उसे बदला लेने के लिए, अपनी माँ और बहन का दोनों का बदला लेने के लिए उसे मार डालते हैं और बाद में उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये तो इस फिल्म की कहानी थी। अब आने वाली फिल्म की कहानी क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। क्या इसी कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा या फिर कोई नई कहानी हमारे सामने आएगी ये देखने वाली बात होगी। आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाली फिल्म के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को ऐसे ही चटपटे कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।